Good morning students, welcome to TSN The School. Today we will read English grammar chapter number 9, verbs. So let's start students. Verbs means hota hai students kriya means karna. Koi bhi verb jo hum karte hain unhe hum kehte hain action words, theek hai na, wahi action words वर्ब कहलाते हैं. अब ये तो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में थोड़ा देखते हैं. द डूइंग वर्ड्स द डिनोट एक्शंस डन आर कॉल्ड वर्ब्स. मीनिंग वही है कि डूइंग वर्ड्स जो करने वाले वर्ब, कि जो भी हम काम करते हैं, वर्क करते हैं या किसी के और के थ्रू भी किया जाता है तो काम के होने का पता लगता है. काम का करना या उसके होने का पता लगना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. थ्रू द एग्जाम्पल्स हम इससे समझते हैं. Read the words given below the pictures. नीचे जो pictures दी गई हैं आपको, उनके words को हमें read करना है. First दिखा रखा, देखो आपको बताया first word swim. एक बच्चा दिखा रखा है आपको, swim कर रहा है. Swim means तैरना, तो वो कर रहा है ये काम ना, तैरता हुआ दिख रहा है आपको. Picture को देख के या इस word को देख के भी आपको समझ आएगा कि ये क्या कर रहा है. तो जो काम कर रहा है ये, जैसे ये कर रहा है बच्चा swim, ठीक है, तो swim हो गया इसका verb. नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लाइम. क्लाइम मीन्स चढ़ना. नेक्स्ट नॉक, खटखटाना. लाफ, हंसना. क्राय, रोना. ईट, खाना. रन, दौड़ना. स्लीप, सोना. फ्लाई, उड़ना. शाइन, चमकना. कुक, बनाना या पकाना. ड्राइव, चलाना किसी चीज़ को. ऑल अबव वर्ड्स टेल अस व्हाट इज हैपनिंग. ये जो ऊपर सारे वर्ड्स आए हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. देखो फर्स्ट में जैसे हमें पता लगा कि वो तैर रहा है या तैर रही है. नेक्स्ट में क्लाइंब से पता लगा, इस वर्ड से हमें क्या पता लगा कि वो चढ़ रहा है. इसी तरीके से शाइन वर्ड से हमें क्या पता लगा कि क्या हो रहा है, पता लगा हमें कि वो चमक रहा है. दे टेल वॉट द पीपल, एनिमल्स और थिंग आर डूइंग. ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि कोई भी, जब देखो किसी में तो हमें बर्ड के बारे में बता रखा है, किसी में किसी थिंग के बारे में बता रखा है, तो किसी में पीपल के बारे में बता रखा है. देखिए जैसे बर्ड के बारे में बताया है फ्लाई. बर्ड क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है. उसका काम बताया हमें उड़ने का, कि वो उड़ रहा है. इसी तरीके थिंग बताई है हमें. एक डायमंड दिखा रखा है आपको, तो डायमंड का बताया हमें कि वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है. इसी तरीके से पर्सन के कई दिखाए, रन दौड़ता हुआ बताया हमें, लाफ हंसता हुआ बताया. दे, ये सभी वर्ड बातें बताई हैं. तो दे आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? करने वाले शब्द, यानी कि जिनसे हमें किसी भी वर्ब का होने का या करने का पता लग रहा है, जिन वर्ड से वो वर्ब कहलाते हैं. एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं हम इन्हें. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सम एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके. फर्स्ट द बॉय किक्स द फुटबॉल. लड़का फुटबॉल को किक कर रहा है, यानी कि मार रहा है, उसे पैर से मारते हैं ना, किक कर रहा है. द बेबी स्लीप्स, बेबी सो रहा है. तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स आपके पास, तो उसमें आपको बता रखा है बॉय क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक कर रहा है. उसका क्या करना पता लग रहा है? किक करना. तो फर्स्ट में हुआ किक, एंड सेकेंड सेंटेंस द बेबी स्लीप्स. बेबी क्या कर रहा है? बेबी का क्या काम बताया अभी हमें? उसका बताया है स्लीप्स, यानी कि वह सो रहा है. तो इनमें एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब क्या हुई? किक्स एंड स्लीप्स. डूइंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड. जो भी ये करने वाले हैं वर्ड्स हैं, जिनसे भी काम का होने का या करने का पता लग रहा है, उनको हम वर्ब के साथ साथ क्या बोल सकते हैं? उन्हें एक्शन वर्ड्स भी बोला जाता है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यही ओवर होता है. नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम. क्वेश्चन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द राइट ऑप्शन. आपको राइट वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है. फर्स्ट है डूइंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड डैश वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स कौन से वर्ड कहलाते हैं? फर्स्ट ए एक्शन, बी गुड, सी बैड. तो अभी हमने चैप्टर में रीड किया डूइंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें राइट? ए ऑप्शन को हमें राइट टिक कर लेना है. सेकेंड है द बेबी डैश. ऑप्शन हैं हमारे पास ए स्लीप, बी स्लीप्स, सी स्लीपिंग. तो राइट होगा इसमें बी स्लीप्स. ऑल राइट स्टूडेंट्स,
नाउ क्वेश्चन बी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका, राइट अ वर्ब अंडर ईच पिक्चर यूजिंग द हेल्प बॉक्स. आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है, यानी कि एक येलो लाइन दे रखी है, उसमें आपको कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनके नीचे आपको कुछ पिक्चर शो की गई हैं, 6 पिक्चर शो की गई हैं. उन पिक्चर्स को देख करके आपको इन हेल्प बॉक्स के हेल्प से वर्ड चूज करना है कि वो करेक्ट एक्टिविटी क्या कर रहा है वो, यानी कि आपको वर्ब लिखनी है उसके अंदर. ये आपको सेल्फ करना है स्टूडेंट्स, एज ए होमवर्क है ये आपका क्वेश्चन बी. नाउ क्वेश्चन सी, सर्कल द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको क्या करना है, सर्कल करना है. मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो सर्कल कर ले. इनमें आपको वर्ब्स को ही करना है. वर्ब मैंने बताया कि एक्शन वर्ड्स, यानी कि डूइंग वर्ड्स जो हैं, जो भी करने का पता लग रहा हो किसी काम का, वो होते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, रोहन रीड्स द बुक. तो रोहन क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, रीड्स. रीड्स को हमें सर्कल कर लेना है. सेकंड है, गर्ल्स प्ले हॉकी. तो गर्ल्स हॉकी खेल रही हैं, इसमें क्या होगा, सेकंड वाले सेंटेंस में प्ले को हमने सर्कल कर लेना है. प्ले वर्ड जो है वो वर्ब है. इसमें सेंटेंस 3 है आपका, द काउ ईट्स ग्रास. इसमें आपको ईट्स पे सर्कल करना है. फोर्थ सेंटेंस है आपका, द कैट चेज द रैट. बिल्ली क्या कर रही है, पकड़ रही है, तो पकड़ने के लिए वर्ड है चेज्ड, तो चेज्ड को हमें सर्कल कर लेना है. नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 5, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, परिक्रमा करती है, इसलिए हमें रिवॉल्व्स वर्ड पर सर्कल कर लेना है. नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सेंटेंस है आपका, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. इसमें आपको फ्लाई पे अंडरलाइन या सर्कल कर लेना है स्टूडेंट्स. सेंटेंस 7, अली वर्क्स इन अ शॉप. वर्क्स पे आपको सर्कल करना है. सेंटेंस 8, ही टेल्स अ स्टोरी एवरी डे. इसमें आपको टेल्स पे सर्कल कर लेना है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन डी, लुक एट द पिक्चर्स. आपको इनमें पिक्चर्स दी है, उन्हें देखना है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अपोजिट ऑफ द कलर्ड वर्ब्स. तो आपको क्या करना है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें आपको उसका अपोजिट वर्ड लिखना है, जो कि आपको कलर्ड वाला वर्ड दिया हुआ है. आपको एक फर्स्ट सेंटेंस आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ. फर्स्ट आपको दिखा रखा है सेंटेंस, द बॉय इज नॉट स्टैंडिंग, ही इज डैश. तो आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर्स की तरफ ध्यान से देखेंगे. बॉय इज नॉट स्टैंडिंग, इस सेंटेंस में हमें कलर्ड वर्ड दिखाया है स्टैंडिंग. स्टैंडिंग वर्ड का हमें अपोजिट लिखना है. और अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो कि भाई इसका क्या हो सकता है, नई वर्ड माइंड में आ रहा है आपके, तो पिक्चर के थ्रू आइडिया ले सकते हैं हमें क्या लिखना है. तो अब ये बच्चा आपको दिख रहा है, खड़ा हुआ नहीं दिख रहा, क्या है ये, बैठा हुआ. बैठे हुए के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में, सिटिंग. तो हम लिख देंगे इसमें, ही इज़ सिटिंग. ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेंटेंस 2 to 6 आपको सेल्फ करना है स्टूडेंट्स, ताकि आपको वर्ब्स का भी आइडिया हो जाए कि क्या वर्ब आएगी. इसलिए आपका चैप्टर आज ये इतना सा ही था, छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल. तो एक बार आप खुद से इसे रीड करके देखिएगा. आपका चैप्टर यही ओवर होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज. एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. और इसके जो बैक एक्सरसाइज की PDF है, आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दी जाएगी, ताकि आप इसको एक बार मैच कर सकें, जिसने भी कर लिया, और जिसने नहीं किया तो वो कर लीजिएगा. ऑल राइट स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, थैंक यू.